फ्रेंड्स, आपका गौरव की चाट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एप्पल जैम बनाने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम ब्रेड और रोटी के साथ खा सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग हाफ के जी सेब लेंगे। इसे हम लोग को छील लेना है अच्छी तरह से। इसे धो के अच्छे से छील लें इस तरह से। सारे को हम लोग देखिए छील चुके हैं। अब इसे हम लोग को पीसेस में कट करना और बीज का जो पोर्शन होता है इसे अच्छे से कट हटा लेना, जो बीज रहते हैं इस तरह से फ्रेशली कट कर लेना है टुकड़ों में। अब इसे हम लोग उबालेंगे। इसके लिए हम लोग कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितना सेब है बस वो थोड़ा सा डिप हो जाए। इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल देंगे। इसके बाद हम लोग को इसे 10 मिनट तक पकाना है, जब तक कि बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, मैश ना हो जाए। जब हम लोग इसे मैश करेंगे तब ये देखिए 10 मिनट बाद खोल के देखते हैं। इसे भी थोड़ा सा और पकाने की ज़रूरत है। इसे थोड़ा सा और पका ले, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। चलिए इसे थोड़ा सा और ढक के पका लेते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसे हम लोग अलग से बोल में निकाल लेंगे और इसे मैश कर लेंगे। ये देखिए बोल में निकाल के इसे मैश कर ले। ज़्यादा पतला कंसिस्टेंसी नहीं रखना है। ये देखिए ये बिल्कुल सही है। हम लोग कढ़ाई लेंगे, उसमें बिना कुछ तेल वेल डाले इस तरह से डाल देते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है। इसे डाल के अब इसमें लोग चीनी डाल देते हैं। अगर हाफ के जी सेब ले रहे हैं तो उसमें हम लोग को 100 से 150 ग्राम चीनी लेना है। इसमें डाल के मिक्स करके इसे हम लोग को 10 मिनट तक कुक करना है। इसे ढक के पका लें। बीच बीच में आप खोल के चेक करते रहें, इसे चला लें। ये देखिए देखने में अभी से ही अच्छा लग रहा है। इसे अच्छे से पकाना है हम लोग को। ये देख सकते हैं आप, इसे कलर भी अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमने फूड कलर डालते हैं, रेड कलर का फूड कलर हम लोग यूज़ किए हैं। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा डालें और इसे हल्का हल्का मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ी देर बाद कलर अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छा एकदम जैम की तरह कलर आ चुका है इसका। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखने में कितना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और ये बिल्कुल जैम की तरह बना है, हल्का नहीं है। थैंक यू।